तो अभी कल जो है ना हम लोगों ने सेटिंग कुछ वे माशाल्लाह भैया को पकड़ के बैठना थे। तो गैस यहाँ पर ये देखें बिल्कुल रेडी। तो जी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। अच्छा जितने भी नए लोग हैं मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस आज के व्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं और जो रूटीन होगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, मतलब अभी जोहर, जो दोपहर के पहले जोहर की नमाज होती है वही पढ़ी है और उसके बाद जो है बैठे हैं व्लॉग शुरू किया है। तो खैर अभी मुझे पानी भी भरना है और चीज़ें भी लेनी, तो वो सारी चीज़ें एक साथ कर लेते हैं हम। और गैस अभी हम लोग जा रहे हैं हमजा को मदरसे छोड़ने और ऊपर देखो बादल बने हुए आज और धुंधला धुंधला हुआ, बस सब कुछ हल्का हल्का ना जैसे धुआं हो जाता ना वैसा। और क्या बोलने हमजा मीर यार, रोज एक ही बात बोलते कि अस्सलाम वालेकुम मैं जा रहा हूँ हमजा को छोड़ने, भैया को छोड़ने, और कुछ बोलो ना। आज मैं ओ भैया के बुट्टा मीर, आज क्या खाना खाया था? और हमजा जना भी आ गया चाबी लेकर, हमजा चाबी दो। चलो हमजा भी आपकी बारी सलाम करने। चलो अस्सलाम कैसे सत्य कर सत्य कर सब मैं जा लूं मदरसे और फिर आज वो तीज बाजे एक पॉइंट करो। तो अभी चलो अभी इसको चलते हैं छोड़ के आते हैं, फिर जो ना हम लोग अपना सब्जी वगैरह सब कुछ लेंगे। मम्मा को छोड़ो तुम, आ जाओ चलो आ जाओ हम। तो हाँ हाँ ठीक है चलो आ जाओ। ये मीर किसने किया, आपने किया होगा? भैया के ऊपर झूठ नहीं लगाओ। भैया पता है मेरे पहली बार देखा था आज रात को, कहाँ जाने थी कहाँ रात के टाइम पे। हाँ। यहाँ से रोज जाती है कहाँ रात के टाइम, पहली बार मैं देखा था। चलो आ जाओ चलो। और गैस बादल बन रहे, बारिश तो नहीं होती वही, ये तो फिर खतरनाक माहौल बन जाएगा। और गैस अभी बारी है पानी देने की, तो अभी जो है अपने पौधों को ना सबको पानी देते हैं। पुदीना तो माशाल्लाह हरा भरा रहता है हमेशा, क्योंकि ये यहाँ से ना पानी आता है ना ऊपर से टैंकियाँ फुल होती है, इसको तो मिल जाता है लेकिन इनको जो ना हमें खुद को ही देना पड़ता है। लेकिन अभी सर्दियाँ तो खैर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी देना तो होता है ना। गैस ये देखो मूसा बैठा हुआ, मेरे भी पीछे जाओ, उसको पिल्लों के सर बिठाया हुआ है। एक मिनट छोड़ दो मूसा, मूसा भैया मीर उसके पाँव है नीचे, रुक जाओ एक मिनट रुको, ठीक है एक मिनट रुको रुको देता हूँ बेबी, एक मिनट रुको बेबी। गैस ये देखो वे माशाल्लाह भाई, वे माशाल्लाह भैया को पकड़ के बैठना है ऐसे 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 बस। मिस मूसा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, मूसा भी नहीं बैठता भाई अभी नहीं फिर नहीं। मूसा गाड़ी निकाल, मूसा मूसा भैया छोटा सा भैया, ये मिया मूसा मेरा मूसा मीर यार उसको छोड़ दो बस मारा ना। तो अभी कल जो है ना हम लोगों ने सेटिंग कुछ इस तरह से की थी, वही सेम वैसे जैसे पहले थी। और इसको अभी यहाँ पे लगा दिए और यहाँ पर सोफे वगैरह लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर हर टाइम मीर जो है एक तो ये खुलता था और बारिश वगैरह आती तो मिट्टी भी आती तो ऐसे गंदे भी हो रहे थे, क्योंकि हवा आती है ना सारी विंडो से। और यहाँ पर चलो ये सही है, बस सही है अभी अभी बेहतर है, डैट्स लुक बेटर डैट्स लुक बेटर। तो बस सही है अभी, अच्छा हो गया वैसा ही है। लेकिन जो ना पहले यहाँ पर क्या था, हाँ कूलर पंखा था और यहाँ पर टेबल थी ना, तो इस वजह से जगह ना बहुत क्या लगते हैं बहुत ना ऐसे लगते हैं छोटी सी जगह है और जगह नहीं है, वो हटा दिया ना तो अभी प्यारा हो गया, चलो अच्छा हो गया। तो भाई अभी जा रहा हूँ हमजा को जो ना ट्यूशन पर छोड़ने के लिए, और सामने देखिए ट्रक आया हुआ अभी जो ना, ये सारे घर जो ना किराए पर चढ़ते जा रहे हैं, ये वाला हमारे साथ में जितने घर थे ना अभी सारे जो ना किराए पर अलहमदा चढ़ चुके हैं, मतलब बहुत कम ही खाली रह गया अभी। तो अभी मैं जा रहा हूँ हमजा को ट्यूशन छोड़ने और मुझे पानी भी भरने और एक दो काम और भी हैं तो वो भी करता हुआ, सही है भैया? कहाँ जाओगे? घूमने फिरने जाऊंगा और कहाँ जाऊंगा, सही है चलो ओके आ जा चले। तो अभी इवनिंग होने वाली है और अभी जो है मैंने ली है यहाँ से चिकन ली है और जो है थोड़ा सा और सामान लिया है और पानी भी भर लिया, पानी की कैन पीछे रख दिए। तो अभी घर चलते हैं। आज जो है ना हमने सोचा हुआ है भाई क्या बनाने का, आज कुछ स्पेशल बने, वो अल्फ्रेडो पास्ता बनाने का भाई, आज हम बनाएंगे अल्फ्रेडो पास्ता भाई साहब। तो घर चलते हैं, ट्राई करते हैं कि अल्फ्रेडो पास्ता आज हमसे बनता है या नहीं बनता है, फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ मैं घर पे। तो अभी भाई टाइम हो रहा है इवनिंग का और देखिए हमारा गैस ख़त्म हो गया, क्या कर सकते भाई, महीने के एंड में हर चीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जैसे महीने का एंड आता है ना तो ऐसा ऐसा हर चीज़ पीछे पीछे चली जाती है।
तो ये हमारा कितने दिन चला है भाई? कब भराया था मैंने इसको लास्ट टाइम? मेरे ख्याल से पिछली सैलरी पे भराया था। हाँ, महीना चल जाता है 3,000 रुपये में, एक महीना चल जाता है। मतलब गैस है महंगी ना यहाँ पर, तकरीबन 300 रुपये के जी है, तो ये 10 किलो हम भराते तो काम हो जाता है। तो अभी जो है ये है सामने नर्सरी और इधर भरते हैं गैस वगैरह। वैसे होम डिलीवरी भी करते हैं, तो मैंने बोला क्या कॉल करेंगे क्योंकि घर के बिल्कुल ही पास में ये देखना, ये हमारी बिल्डिंग है और इधर ही है, तो ये गैस वैसे करीब ही पड़ता। क्या हुआ? चलो खड़ी करो अभी घर, जल्दी करो। अभी तो चलन स्टार्ट करी है। कौन सा घंटा हो गया? अब आप बोलो, बोल। हाँ क्यों? ये जगह देखो, हम तो दांत निकल भी आए अभी से। हैं? देखो इतनी जल्दी आ गए तुम्हारे दांत, देखो। देखा था सब। ये तो बहुत जल्दी आ गए हैं तुम्हारे दांत, गोली की स्पीड में। हम ये तो मीर, क्या मसला है तुम्हें? हाँ मार खानी है, चल वापस। गए ये कुछ कहना चाहते, क्या बोल रहे थे? भैया के बाल चले गया। भैया कहाँ चला गया? भैया बाल चले बच्चे चले गया। बाहर चला गया? क्यों? आके बाल चल दिल ले गया। हाँ बाल चले गया, आके भैया बाल चल बाल गया। क्या पटल पटल अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, मारूंगा मैं उसको, ठीक है मैं मारूंगा उसको, ठीक है। चलो अब सो जाओ, सो जाओ। नहीं क्यों? अच्छा साइकिल बोल रहे थे? ओए यार मैं बोलूँ टटल टटल क्या लगा रहा है, साइकिल पे चला गया है? अरे यार आपको नहीं खिलाता? अच्छा मैं इस शरीर पे आपको भी, आपको भी साइकिल लेकर दूँ छोटी सी, आप खेलोगे? अच्छा चलो ठीक है, 3 दिन बाद आपको साइकिल लेकर दूँगा। बाल डालो। हाँ बाल डालो। क्या बाल? बाहर चलो। नहीं अभी जो ना देखो बाहर हल्का सा अंधेरा हो गया, अभी ठंड पड़ेगी और ठंड से आपको बुखार आ जाता है, ठीक है? ठीक है ठीक। हाँ नहीं जी बोलते, क्या बोलते? अच्छा जी बोलो। फिर से बोल जी, इधर मेरी तरफ देख के बोलो। मैं प्लीज करो, जैसे प्लीज करते हैं हाथ हाथ बांधो जैसे करते हैं, बोलो प्लीज। चलो नहीं अभी नहीं, शाम को, अभी शाम के टाइम सुबह चलेंगे, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट। चलो अभी पास्ता बना, चलो बाय बाय। फ्राई करने जा रहा हूँ पास्ता, जो कि इसको मैंने पहले बॉइल कर लिया, और बाकी जो है इनको अभी बनाता हूँ। चिकन को सबसे पहले जो ना इधर इसके अंदर बना लेते हैं, गैस ख़त्म हो गई थी वो डलाई है। अभी सबसे पहले ऑयल डालते हैं, थोड़ा सा ना गार्लिक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डालते हैं, इसको फ्राई करते हैं, फिर जो ना क्रीम तैयार करते हैं, फिर इसको सबको ना आपस में मिक्स करेंगे। पहले लहसुन अदरक डाल दिया, अभी थोड़ा सा इसको पका लेना। अभी इसके अंदर डालते हैं चिकन, चिकन मैंने अभी इसके अंदर डाल दिए, अभी इसको पकाते हैं थोड़े से, क्या बोलते हैं मसाले डालने हैं। और भी मैं जब चिकन बना रहा हूँ, ये देखो पीछे भूत आ गया है। भूतू नहीं, नहीं भूतू, नहीं भूतू, भूतू नहीं, ई ई जाओ भूतू, डराओ दोस्तों, डराओ जाओ अभी ऐसे देख। चल चल जा जा मामा वाले, डराओ जाओ। और गए थे अभी इसके अंदर ऐड करते हैं सॉसेस वगैरह, स्पाइसेस वगैरह, मतलब इसके ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, काली मिर्ची जाएगी, नमक जाएगा, और जना और ओरिगैनो पड़ा तो वो भी डालेंगे थोड़ा सा। तो भाई ये देखें मैंने जो नमक और काली मिर्ची डाल ली, अभी इसके डालें ऐड करेंगे सोया सॉस, और मेरे पास चिकन पाउडर नहीं तो मैं चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका पानी जो ना बाद में ऐड करूँगा। तो गाइस चिकन तो इधर बन चुका है, अभी जो ना बारी है सॉस तैयार करने की, तो सॉस जो ना बहुत ही हैवी तरीके का तैयार करने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको देखकर। तो अभी इसके अंदर ये देखें ये 3 चीज़ें मैं ऐड करने वाला हूँ, क्रीम है, ब्लू बैंड मक्खन है, और पैक के पक वाली जो चीज़ करी मैं ना वो ऐड करने वाला हूँ, तो मज़ा आ जाएगा। अभी देखना सबसे पहले मक्खन डालते हैं, फिर मैंने थोड़ा सा ना लहसुन अदरक का पेस्ट में बचा के रखा था वो भी इसके अंदर ऐड करते हैं, फिर आपको दिखा देता हूँ। तो गैस मक्खन मैंने डाल दिया, फिर इसको बनाना है लो फ्लेम पे। अभी इसकी जैसे ये मेल्ट होता है ना, फिर इसके अंदर डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको थोड़ा सा पकाएंगे हल्का सा, फिर चीज़ वीज़ ये वो है, मज़ा आ जाएगा।
तो अभी लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया, इसको हल्का सा पका लेते हैं। वैसे जो ना इसके अंदर डलता है लहसुन अदरक का जो वो पाउडर होता है ना लहसुन का, वो डलता है, लेकिन मेरे पास वो नहीं है तो मैं इसे नेचुरल चीज़ें जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बात तो एक ही है जो भी हो। इसको थोड़ा सा पका लेता हूँ, फिर इसका चीज़ और करीम ऐड करते हैं। चाहिए तो लहसुन अदरक का काम हो गया, अभी डलते इसके अंदर पक करीम। तो गाय 2 से 2.5 चम्मच मैंने इसके डाल दिए, पक करीम नहीं बल्कि ये पक चीज़ है, चीज़ डल गई। तो भाई अभी इसके ऐड करते हैं ये करीम। तो भाई ये देखें यहाँ पर चीज़, अच्छा क्रीम और बटर को जो है मैंने मिक्स कर दिया। अभी इसके अंदर जो है मसाले डालते हैं, मसाले वैसे ही जाएंगे जैसे चिकन में डाले थे। तो अभी जो है सबसे पहले इसके डालते हैं नमक, फिर जो है सफ़ेद मिर्च, काली मिर्ची, और जो है ना उसके बाद क्या डालेंगे भाई, ओरिगैनो वगैरह। तो ये देखें मैंने मसाले सारे इसके अंदर डाल दिए। अभी जो है एक मेन चीज़ रहेगी वो ये डाल दिया ना, अभी देखें एक और चीज़ रहेगी। अभी जो है ना जो हमने ना चिकन क्यूब्स का पानी तैयार किया था ना, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। और गैस अभी मैंने इसके अंदर ना चिकन वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया है, और जो है ना थोड़ा सा पका लूँ चिकन को मतलब। फिर तो भी अभी इसको जो है ना ऐड कर देते हैं इस हमारे सॉस के अंदर, क्योंकि अभी जो है रेडी है। अभी इसको डालेंगे, फिर मिक्स करते हैं और फिर जो ना खाते हैं इसको। तो गैस यहाँ पर ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है, और क्या ही ज़बरदस्त हुआ है। अभी एंड में ना मैंने थोड़ा सा दूध के अंदर ना कॉर्नफ्लोर मिक्स किया था और इसके अंदर डाल दिया, तो उसके से और भी गाढ़ा और बिल्कुल थिक और ज़बरदस्त बन चुका है, और खाने में बिल्कुल मज़ेदार है। यम्मी बनाना क्या बताऊँ आपको। तो अभी मैं था बाइक निकालने, और एक लड़का जा रहा है यहाँ से विलेज की तरफ ना, और उसका यहाँ से मैंने देखा पेट्रोल ख़त्म था, तो मैं ये ढूंढ रहा था अगर मिल गया था तो फिर पेट्रोल उसको दे देता हूँ। देखो बंदा कहाँ गया, गायब हो गया, देखता हूँ अगर यहीं करीब में है तो उसको देख के आता हूँ पेट्रोल वगैरह। तो अभी हो गया, इसकी बाइक स्टार्ट हो गया। चलो इतना तो मैंने दे दिया। अभी मेरे बाइक का पता है मसला क्या है कि यहाँ से ना मुझे निकालना नहीं आता, और मैं फिर जो ना इसको यूज़ करता हूँ। ये लड़का जो ना इस तरफ आया हुआ था, अभी पीछे की तरफ देखो कुछ भी निकल जा रहा है। तो यहाँ पे जो ना एक दूसरे की हेल्प करना आपका बनता है। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की टीम थी आपके साथ में शेयर की थी, और मूसा के बात सुन रहे हैं आप, ये भाई मूसा जो ना फिर मम्मा के साथ अभी खेल रहे हैं। रात के टाइम इसको खेलना याद आता है, जब सब सोते हैं फिर इसको खेलना याद आता है। तो बस आज का व्लॉग अच्छा खासा बन रहा था, फिर भाई एक सैड न्यूज़ आ गई कि भाई ये देखो ये मेरी वाइफ जो एक दिन पहले बस इसको हम तोड़ देंगे, फिर हमें न्यू ले देना, ये है वो है, लो जिसका काम हो गया। देखो उसका वो मतलब टच जो है इसका तोड़ दिया आज, मीर ने फेंका है जैसे पहले फेंका था, तो वैसे ही इसका काम भी हो गया। इसे हमसे अभी जो है नीचे की तरफ आप काम कर करता है अभी, जैसे मतलब ये सेंटर के जैसे हमेशा टूटता यहीं से, ये सेंटर जहाँ से ना जहाँ से ये फोल्ड होता है यहाँ से, तो वहीं से हाँ अभी ऊपर की साइड देखो, ये देखो नीचे की साइड काम पर कर रही है, ऊपर की नहीं कर गई वो की अभी की है, ये यहाँ से की है, अच्छा यहाँ से की है, ऊपर की साइड गई भाई इसकी। तो खैर इसका कसूर नहीं, इसको इन लोगों ने इतना फेंका कि मैंने बोला बस अभी क्या करें भाई, ये देखो मैं नुकसान तो मेरा ही होता ना, अभी मीर फेंके या तुम फेंके जो करो। तो भाई अभी तो खैर मैं इनको नहीं लेके देने वाला भाई मोबाइल, हल्ले वल्ले वही जो मेरा अभी अधूरी रहेगी ना। अभी गैस आप सब भी देखेगा, मैं भी देखता हूँ, देखना मैं इसको 1-1.5 महीने के बाद बना के दूंगा, क्यों, ताकि इनको पता चले कि इसकी वैल्यू देने की मोबाइल नहीं है। वो जो मेरा दूसरा मोबाइल है ना वो मैंने इसको दे दिया, ये वाला रियलमी वाला बहुत अच्छा मोबाइल है, ये भी 70,000 का लिया था, ये भी कोई छोटी मोटी, लेकिन बोलते हैं हमें जो ना समझ नहीं आती ये है वो है, मतलब क्यों नहीं चलते। ये देखो एमोलेड स्क्रीन और 250 GB मेमोरी और 12 GB रैम, इतना अच्छा मोबाइल। अभी तो नहीं बनेगा ना, अभी क्या करें, अभी कहाँ बनेगा। उस दिन तो चलो मैं कहीं से ना इसकी एलसीडी बल्कि जो एलईडी पर नहीं कौन सी इसके डलती है ना वो डलती है नई 1,10,000-20,000 की, तो मैं इसकी उस दिन ढूंढ के लाया था बड़ी मुश्किल से ना, थोड़ी सी ना ये हल्का सा निशान था उसके अंदर ना, जैसे बाहर मुल्क से आती है, तो वो कराची में मैंने ढूंढी थी बड़ी मुश्किल से जहाँ से, तो मुझे ये मिल गई थी कोई, पता कितने की मतलब कम पैसों में पड़ी थी, लेकिन अब तो यहाँ पे मुश्किल है। और यहाँ से अभी मैं ऑनलाइन नहीं मंगाई थी, मैं वहीं पर गया था शॉप ढूंढी थी, और शॉप में से लगवा के आया था, और अभी बस
चले भाई अभी इनका नसीब है, अभी इस्लामाबाद में भी मिल जाएगी। इस्लामाबाद में नहीं मिलेगी, कराची में बहुत बड़ी शॉप थी वो वहीं से बस एक शॉप से मिली थी, मैं पूरी मार्केट ढूंढी थी। तो यहाँ पे भी एक दो शॉप। तो खैर भाई इनको लगता है कि बस तोड़ दो फिर बन जाता है आराम से। तोड़ दो जैसे मैंने तोड़े। भाई बच्चों के सामने रखती क्यों हो? सिर्फ कुछ देख रही थी फिर मैं किचन में भाग के गई जल्दी। और ये अच्छा चलो आज गिरा ना, वैसे हमजा मीर ने इसको कितनी बार फेंका जब से एलसीडी बन गई, तकरीबन कोई मैं अगर याद करूँ ना गाइस तो इसको दिन में कोई उसने 3 से 4 बार फेंके। तो मेरा कसूर है जब से ये बन के आई है, समझो कि ये 3-4 महीनों में ना कोई 1000 बार 2000 बार ऐसे ना जोर से दिन 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 की आवाज आ रही थी। तो वो आईफोन भी नहीं लेता, आईपैड भी नहीं, उसे यही मोबाइल चाहिए होता है। मेरा कसूर नहीं है। चलो अभी नहीं है ना, अभी देखते हैं फिर वो क्या इस्तेमाल करता है। तो फिर आप ही कहते हो रुलाती हो ये करती हो अच्छी माँ नहीं हो। हाँ चलो भाई ठीक है भाई, गाइस इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, दिमाग अभी फ्रेश नहीं है। और सब कमेंट कीजिएगा कि बनवा दे वरना मेरे साथ कैसे, सब कहते हैं आप वीडियो बनाओ तो अभी सब भी देखना, सब क्या बोलेंगे छोड़ो इसको, वैसे भी ख्याल ही रखते इसको बनवा के अंदर देखना यही आएगा। तो ये 1 साल से ऊपर हो गया ऐसे भी इस मोबाइल को। अच्छा 1 साल से ऊपर तो फिर मोबाइल तो मतलब खराब भी ना हो। अच्छा 2 बार एलसीडी टूट चुकी है, किसी का भी नुकसान करते हैं। इंसान जो है चेंज करना तो ना गाइस चेंज करना तो फिर तो बहुत इजी होता ना चेंज करना, कि भाई इसको दे दो थोड़े से पैसे दे दो फिर तो और किसके लिए कमा रहे हो हमारे लिए। मैं यही इसलिए कमा रहा हूँ कि भाई ये लोग मोबाइल फेंकेंगे और जो ना मैं जो ना ये क्या बोलते हैं ये 50-60-70 हजार की ना इसकी एलसीडी बनवा के लास्ट टाइम प्लीज मेरा इंस्टा हर चीज इसमें कुछ भी नहीं आएगा लास्ट टाइम। चलेगा इसी के साथ भी डन करते मिलते करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।